और पॉलिटिक्स में बात 370 की, जो अब भी चुनाव का मुद्दा बना हुआ है। हालांकि कुछ सियासतदान कह रहे हैं कि अब ये चुनाव का मुद्दा नहीं रहेगा, लेकिन अब भी चाहे जिस भी रियासत में चुनावी रैली हो वहां पर 370 का जिक्र हो, ये अभी जो है नामुमकिन लग रहा है। हर चुनावी रैली में 370 आ ही जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीडीपी चीफ स्पोक्स पर्सन इकबाल त्रंबू साहब जुड़ चुके हैं। इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है, आपसे जानना चाहूंगी, श्रीनगर में वोटिंग परसेंटेज 38% अब तक के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और 370 का हटना, इसमें क्या कनेक्शन देखते हैं आप? है ये जो 370 का हटना है, यही एक बहुत बड़ी घटना है जो पिछले 40 सालों में जम्मू कश्मीर में हुई है। तो अगर पिछले 40 सालों में वोटिंग नहीं हुई है और इतनी बड़ी घटना हुई है, तो आज हम इतनी ज्यादा वोटिंग देख रहे हैं, तो ये सिर्फ इस एब्रोगेशन के खिलाफ एक आवाज है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं कि ये हमारे साथ एक धोखा हुआ, गलत हमारे साथ हुआ, तो उसके खिलाफ ये एक आवाज है। तो ये उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि आज जो है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो है 370 हटने के खिलाफ आवाज है। हमारे साथ एक और खास मेहमान सीनियर स्पोक्स पर्सन कांग्रेस जगदीप सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। जगदीप साहब, पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि ये 370 की जीत है, 370 हटाया तभी देखिए कि किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस श्रीनगर में फल फूल रहा है। मनोजा जी, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। देखिए, जब हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखार बिंद से निकले, एक एक बयान की बात करेंगे तो इतना विरोधाभास है कि समझ में नहीं आता कि आखिर प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं। कभी वो बात करते हैं मंगलसूत्र की, कभी बात भैंसों पर आ जाती है, अभी वो कहकर हटे जब उन्होंने मुस्लिम्स पर बयान दिया, और वो बड़ा शर्मनाक बयान था, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ। रही बात धारा 370 की, टूटन की, तो इस मामले पर जब हम बात करते हैं तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं, गहनता से इस पूरे मामले पर विचार और मनन की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि जिस अनुच्छेद का पहला सब सेक्शन ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो फिर उस अनुच्छेद की क्रेडिबिलिटी पर सवाल या उसको सियासी मफाद अपने हल करने के लिए इस्तेमाल करना कहां तक वाजिब है। और दूसरी बात देखिए, जब इस देश के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, ये जग विदित बात है, दुनिया जानती है, तो वो जो 532 या 35 रियासतें थी उनके साथ नहीं हुआ, ये उन रियासतों में था जो बड़ी। जगदीप साहब, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपसे दरखास्त है कि आप एक बार अपना फोन का ऑडियो चेक कर ले। तब तक इकबाल साहब आपके पास आना चाहूंगी। चले मान ले कि लोग जो है सरकार के फैसलों से नाराज है, लेकिन यह बताएं कि यह भी सच है कि 30 सालों में पहली बार जो है इस तरह की वोटिंग परसेंटेज श्रीनगर में देखने को मिली, आपकी भी सरकार थी, ये पहले क्यों नहीं हुआ कि आप लोग जो है लोगों में ये एतमाद ला पाए और लोगों को वोट देने के लिए उनके घरों से आमादा करें उनको कि वो वोटिंग बूथ्स पर पहुंचे, ऐसा पहले क्यों नहीं हो पाया? अभी आपसे यही बात कही कि मिलिटेंसी के जो इंसिडेंट्स हैं वो आज भी जम्मू कश्मीर में होते हैं, आपने देखा होगा। ऐसी बात नहीं है कि मिलिटेंसी टोटल खत्म हो गई है। आप रजौरी, पुंछ या श्रीनगर में भी देखिए, कश्मीर में भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। लेकिन क्या वजह है कि ये 40 साल के बाद ये वोटिंग इतनी ज्यादा हुई है? तो मैं आपसे कह रहा हूं, यही एक बहुत बड़ा वाकया इन 40 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है, ये जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, और इसके एब्रोगेशन के खिलाफ ये लोग निकले खसूसन कश्मीर में वोटिंग करने के लिए, ताकि वो एक मैसेज दिल्ली तक पहुंचाए कि जो आपने 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ किया, ये बहुत गलत किया। और इसकी सबसे बड़ा इसका सबूत, जैसे अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर का ये अभी सुन रहा था आपके प्रोग्राम पर जी, तो ये एक गलत इंफॉर्मेशन जो है सारे मुल्क को दी जाती है कि लोग खुश हैं। ये एब्रोगेशन तो बीजेपी ने किया है, तो लोग फिर बीजेपी के साथ खुश होंगे, फिर बीजेपी का कोई कैंडिडेट क्यों नहीं उतरा है? क्या वजह है कि बीजेपी ने कश्मीर में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, तीनों सीटों में से एक भी सीट पे? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि लोग खुशियां मना रहे हैं, लोग खुश हैं इसके एब्रोगेशन से, फिर तो लोग बीजेपी से खुश होंगे, क्योंकि ये बीजेपी ने किया है, फिर अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे उन्होंने? पर वहां पर वो हिमायत कर रहे हैं दीगर पार्टियों की।
नहीं हिमायत करना उनके हक में कैंपेनिंग भी की। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट है जैसे वो अभी बयान में कह रहे थे, हमारी तरफ से वो बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, फिर तो वो बीजेपी के साथ खुश है, फिर उन्होंने क्यों नहीं कैंडिडेट उतारे? बेसिकली ये पूरे मुल्क को जो है इन्होंने 370 के बारे में बहुत गलत इंफॉर्मेशन दी है मुल्क के लोगों को, और आज भी आई एम वेरी सॉरी टू से आज भी लोगों को यही गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जगदीप साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि बार बार जो है बीजेपी की तरफ से ये बयान आते हैं, बल्कि वजीर आजम ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बयान दिया कि बीजेपी को 400 के पार पहुंचा दे नहीं तो कांग्रेस जो है 370 वापस लाएगी और राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगवाएगी। बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहना चाहूंगा कि पहला जो सवाल आपका था धारा 370 का जी, अब ये मामला बहुत बड़ा है तो इस पर निश्चित तौर पर समय चाहिए होता है। चलिए अब आपने दूसरा सवाल पूछा है, एक तो मैं मुतासिर हूँ जो फेलो साथी कह रहे हैं कि इससे बड़ी मुझे लगता है और कोई सफाई हो नहीं सकती कि जो पीएम इतने बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं कश्मीर में वोटिंग को लेकर, तो उनके नुमाइंदे क्यों नहीं है, इसी से सब स्पष्ट हो जाता है। और रही बात, अब आपने जो बात की जैसे बाबरी ताले की बात की, जो 400 पार की बात की, तो आप मुझे बताइए अनंत राम हेगड़े का जो बयान है जिसमें इन्हीं के सांसद जिसमें ज्योति मिर्धा शामिल है, वो ये कहती साफ नजर आई कि हमें 400 सीटें दीजिए हम संविधान बदल देंगे। आज मोदी जी उसी की लिपा पोती पर लगे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के तमाम बयान जो है उनमें एक विरोधाभास झलकता है। कभी वो कहते हैं कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है, और कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस आई तो बाबरी ताला जड़ देगी, कभी वो कहते हैं कि इस देश का जो पहले का इतिहास था 2014 का उस पर उनको शर्म आती है, और उसमें वो वाजपेयी साहब का कार्यकाल भी गिन लेते हैं। तो एक प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति के मुखारबिंद से ऐसे शब्द जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को शर्मिंदा करते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा। और दूसरी एक अहम तरीन बात यहां मैं जोड़ना चाहूंगा इसके साथ, देखिए मुनजा जी आज परिस्थितियां जो हैं वो पूरे देश में काफी हद तक पारे की मानिंद साफ हो चुकी हैं। जितने चरणों का मतदान हुआ है उसमें एक आमूल चूल किस्म का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और शायद यही कारण है कि इतने बड़े पद पर बैठे भाजपा के आला नेताओं की बौखलाहट जो है वो उनके बयानों में साफ साफ नजर आती है। जी मुनजा जी, इकबाल साहब आपसे जानना चाहूंगी कि जब आर्टिकल 370 की बात होती है तो वजीर आजम ने बोला है कि 370 पर लोग बस सियासी रोटियां सेकते आए हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब जो है 370 के नाम पर ये और लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, इस पर क्या कहेंगे, जबकि बार बार हम ये देख रहे हैं कि हर चुनावी रैली में 370 का जिक्र तो होता ही है। इकबाल साहब, जो हमारे प्रधानमंत्री 370 की बात करते हैं ये पिछले 5 सालों से ये बात कर रहे हैं और सारे मुल्क के लोगों को ये जो है गुमराह कर रहे हैं, बल्कि इस पर बात करने से इनको वहां बहुत वोट मिलते हैं जम्मू कश्मीर के बाहर, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा तासुर दिया है हमारे मुल्क के लोगों को कि जैसे जम्मू कश्मीर जो था किसी और मुल्क का हिस्सा था, और 370 हटाकर हमने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया है। और ये बात वो हर जगह बोलते हैं, हर इलेक्शन में बोलते हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा 1947 से ही था। 370 को एब्रोगेट करने से या इसको लागू करने से, बल्कि 370 ही तो एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, वही तो एक ब्रिज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच में, जो लोगों की मर्जी से था, जो लोगों के विश्वास से था, और जो यूनियन ऑफ इंडिया से मिल गया था। अब जो इन्होंने ये हटाया है, जिस ब्रिज को, जो ब्रिज इन दोनों रिश्तों को, जो बीच में जो ब्रिज था उसको इन्होंने तोड़ा है लोगों की मर्जी के खिलाफ, एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक डिसीजन है। मगर इनका प्रोपेगेंडा ये है कि ये जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क का हिस्सा था ही नहीं, और एब्रोगेशन के बाद ये हमारे मुल्क का हिस्सा बन गया है, जो कि एक मिसलीडिंग बात है। जगदीप साहब क्या कहेंगे कि 370 का इस्तेमाल कौन कर रहा है, क्योंकि बार बार ये मुद्दा उठ रहा है कि 370 को एजेंडा बनाकर कौन सी सियासी पार्टियां वाकई में रोटियां, अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं।
जगदीप जी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि इस अनुच्छेद का पहला सबसेक्शन ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दूसरी बात, आपने अक्सर देखा होगा भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता जो है वो 35A की बात करते हैं, वो वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की बात करते हैं, गोरखा समाज की बात करते हैं। यद्यपि आपको सुनकर हैरत होगी कि 35A हमारे संविधान का हिस्सा था ही नहीं, इट वॉज इंक्लूडेड इन द 1965 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और हमें उन परिस्थितियों को समझना होगा जिन परिस्थितियों में इस देश के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ। उस वक्त हालात ऐसे थे कि पटेल साहब को, नेहरू जी को कुछ शर्तों पर सहमत होना पड़ा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वजीरे आजम, सदरे रियासत जैसे शब्दों को किसने खत्म किया, किसने यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी उनको यहां पर इनिशिएट किया, किसने इलेक्शन कमीशन को वो तमाम अख्तियार दिए जो यहां पर पहले नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बार बार 370 की बात करके लोगों को, देश को दिग्भ्रमित करने की हर पुरजोर कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है। और एक बात मैं यहाँ और बता दूं, इस टूटन के बाद जो लोगों के अख्तियार थे, जैसे जमीनों पर अख्तियार था, नौकरियों पर अख्तियार था, वो तो उनके हाथ से निकले ही। आज आलम यह है कि मंदिरों का ये शहर जो जम्मू है, ये शराब माफिया का शहर बना दिया गया, खनन माफिया का शहर बना दिया गया। यहां पर इतनी ज्यादा ठेकेदारी में लोगों को जो है बाहर से लाकर उनको यहाँ पर इंगेज किया गया कि यहाँ के लोगों में आक्रोश है। तो 370 की टूटन पर बार 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 सियासत करके भाजपा केवल और केवल लोगों को, आवाम को। जगदीप साहब, इंडिया एलायंस का हिस्सा आप भी है, पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि 370 को वापस लाना है, कांग्रेस का वाजे स्टैंड इस पर क्या है? जो फैसला जिस तरीके से इन्होंने इस आर्टिकल को अबैरोगेट किया है उसको, उसके पीछे बड़ा लंबा चौड़ा होमवर्क था। निश्चित तौर पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ उस तरीके से जैसा ये दावा करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस जो है वो पहले दिन से सिर्फ ये पूछती चली आ रही है कि आखिर इस टूटन से हासिल क्या हुआ। इस पर आने वाले वक्त में पार्टी के एंड से मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट जो है वो कांग्रेस ने अभी तक दिया है या बात की है। ठीक है, तो कोई वाज़े स्टैंड कांग्रेस का 370 पर है नहीं। बीजेपी लीडर साहिल बशीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। साहिल साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 370 पर रोटियां सेकते हैं, अब जो है 370 पर बात नहीं होगी, लेकिन सबसे ज्यादा बातें भी आपकी ओपोजिशन इल्जाम लगा रही है, 370 पर एजेंडा भी कर रही है बीजेपी खुद। एक चीज तो आपको बता दूं, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बताएं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 370 के बारे में जो करना था वो कर चुकी है 2019 को। उसके बाद अगर कोई बात कर रहा है 370 पे या कोई सियासी रोटियां सेक रहा है तो वो ये INDI अलायंस के साथ जितनी भी पार्टीज है PDP को लेके, ये अपनी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वोट बटोरने की कोशिश करें और एक सहानुभूति जो है कोशिश कर रहे हैं जताने की, जो बिल्कुल भी मुझे लगता है एक साहिल साहब एक होती है कि उसी रियासत में इस बारे में यूटी में बात हो रही हो, जम्मू कश्मीर में चले माने कि PDP NC जो है इस बारे में बात कर रही है, 370 का एक मुद्दा बना चुकी है, लेकिन आपकी ओपोजिशन कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि सबसे ज्यादा तो इस पर सियासी रोटियां दूसरी रियासतों में, दूसरे इलेक्शन रैलियों में बीजेपी खुद कर रही है। ये तो एक इल्जाम तराशी है। देखिए, 370 पे जो कुछ कहना था, जो कुछ करना था, वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी 2019 में कर चुकी है। जहां तक इस वक्त बाकी रियासतों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एलिगेशन होती है। हाँ, लेकिन जो अचीवमेंट्स आपके पास है, क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी अचीवमेंट्स गिराने का कोई हक नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी नेता किसी भी रियासत में हवाला देता है 370 का, क्या गलत देता है? जो चीज 70 सालों से नहीं हो पाई है, जो एक नेशनल इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर को चाहिए थी, जिसमें सारी INDI अलायंस और जितनी कांग्रेस की अलायंस है वो सारी फेल हो गई, तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने वो चीज करी है और वो उन चीजों को जो आपकी अचीवमेंट है वो दिखा रहा है। ठीक है, अचीवमेंट्स गिनवाई जा रही है जो कि इलेक्शन में कराया जाता है। ये बताएं कि 370 वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, साहिल साहब? साहिल साहब से रابطہ बनाने की कोशिश करेंगे। जगदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जगदीप जी,
मनीषा जी, मैं देखिए मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने 2 मरतबा ये कहा कि इस पर बाकी की जो सियासी तंजीमें हैं वो बात कर रही हैं। मतलब कितनी बेशर्मी से भाजपा के नेता और प्रवक्ता इस बात को इतने बड़े मंच पर झुठला देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर बार बार बात कर रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि अचीवमेंट्स गिनाई जा रही हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं मुखिया जी, जम्मू कश्मीर को लेकर इतने झूठ जो है भाजपा ने परोसे हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों ये भी कहते नजर आए कि अगर वो युद्ध जो है वो 1.5 या 2 दिन और चलता तो पीओके हमारा होता। यद्यपि सच्चाई ये है कि आपको मैं बता दूं मुंतजा जी, सच्चाई ये है कि खुद पटेल साहब ने ये बात मानी है कि 1.5 बरस तक उस युद्ध को खींचा गया, हमारी री इन्फोर्समेंट तक खत्म हो गई थी और उसके बाद जब हमने इसके ऊपर यूएन में जाकर ये मामला लेकर गए तो उसके पीछे की वजूहत बड़ी साफ थी क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग देश था तब। तो बताइए मुझे, जब 2 देशों की बात होगी तो कहां जाया जाएगा। ठीक, तो उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट अलग था, हिस्ट्री अलग था, उस वक्त की पॉलिटिक्स अलग थी, तमाम तर मामलात अलग थे। बहरहाल इकबाल साहब, ये बताइए कि बार बार ये कहना कि बीजेपी ने गलत फैसले ही लिए हैं जम्मू कश्मीर में, यूनियन गवर्नमेंट ने कोई सही फैसला नहीं लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो सही काम भी किया होगा। अगर इन्होंने कोई सही काम किया होता, मैंने आपको पहले ही कहा, फिर वो सही काम इनके कैंडिडेट फील करने से साबित हो जाता है। इन्होंने 2019 के बाद जो भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए इख्तियार की है वो एंटी पीपल की है और लोगों को तकलीफ पहुंची है 2019 के बाद, चाहे इनके जमीन के मुतालिक कानून हो, नौकरियों के मुतालिक कानून हो, हर कोई चीज, चाहे इंडस्ट्रीज के लिए कोई कानून इन्होंने बनाया या जितने भी इन्होंने एनेक्टमेंट्स किए हैं, सारी एंटी पीपल है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना बुरा दौर पिछले शायद 70 सालों में नहीं देखा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिली, जैसा ये 5 साल में हम देख रहे हैं। बिजनेस खत्म है, सब कुछ खत्म है, सिविल लिबर्टीज खत्म है, लोग बात नहीं कर सकते हैं, 2 आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं सिविल राइट्स के लिए, एक जेल बना दिया है जम्मू कश्मीर को, PSA UAPA इसका डर लगा दिया है, लोगों को घुटन महसूस हो रही है, डेमोक्रेसी यहाँ खत्म की है, 10 साल से हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, सारे मुल्क भर में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ठीक, पंचायत इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो आपका कहना है कि तमाम तर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है, जो चीजें हैं, वो नहीं हो रही है। जगदीप जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर ये चुनाव में आपका अलायंस जीत जाता है, जम्मू कश्मीर में सीटें आ जाती हैं आपके पास, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर, तो ऐसे में आप कांग्रेस के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए क्या प्लान है? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर जो अपने लोकतांत्रिक अख्तियारों से आज मोहताज है, जैसे अभी मेरे फेलो साथी ने बताया कि विगत 10 सालों के करीब हो गए विधानसभा चुनाव नहीं हुए, हमारी पंचायती नुमाइंदों का कार्यकाल पूरा हो गया, निगम पार्षद का कार्यकाल पूरा हो गया, तो ये तमाम तरह के जो जनप्रतिनिधि थे वो आज इस आवाम के पास नहीं है, लिहाजा उनकी बात रखने वाला कोई जनप्रतिनिधि आपको नहीं दिखाई दे रहा जम्मू कश्मीर में। और ऐसा आप मानकर चलिए कि ऐसा होगा नहीं, बल्कि निश्चित तौर पर आमूल चूल किस्म का परिवर्तन आपको नतीजे जो है वो दिखाएंगे, चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और इंडिया गठबंधन ना केवल इस देश में मरकज के अंदर सरकार बनाने जा रहा है, बल्कि आपको मैं ये भी बता दूं कि उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के आवाम को उसके तमाम लोकतांत्रिक अख्तियार जो हैं वो मुहैया करवाए जाएंगे जितनी जल्दी हो सकता है। नहीं, मैं देखिए, आप बार बार 370 पर बात कर रही हैं, मैं उसका जवाब आपको ये देना चाहूंगा बड़े अनुरोध, बड़ी विनम्रता के साथ मुल्तजा जी। देखिए, सवाल यहाँ पर 370 को लागू करने का या लागू ना करने का नहीं है, क्योंकि जब देश की सर्वोच्च अदालत उस पर एक फैसला दे चुकी ठीक हो, है, चले तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है सामने रखा जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा सबको माननीय होगा।